अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो मैं ट्रैवल व्लॉगर नहीं हूँ, लेकिन आज मैं आपको सऊदी अरब का शहर खुबर दिखाऊंगा, जो कि पिछले 6-7 साल से मेरा भी शहर है। खुबर सऊदी अरब का ईस्टर्न सिटी है और ये सऊदी अरब का पेट्रोलियम हब है। यहीं पे अरामको भी है, जो कि दुनिया की टॉप ऑयल कंपनीज में शुमार होती है। इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये वो जगह है जहाँ पर पहली बार ऑयल डिस्कवर किया गया था। इसको धारान कहते हैं और जो मेरे पीछे बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, इसका नाम ईथरा है। ये वो जगह है जहाँ पर पहली बार सऊदी अरब में ऑयल डिस्कवर हुआ था और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे ये बिल्डिंग बनाई गई जिसका नाम ईथरा है। इसके अंदर एक म्यूज़ियम है जहाँ पे ऑयल रिफाइनरी से रिलेटेड चीज़ें बनाई गई हैं। उसके अलावा बच्चों के लिए कुछ इंटरटेनमेंट और सिनेमा वगैरह भी इसके अंदर है। मेरा आज का प्लान ये है कि मैं आपको खुबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जगहें दिखाऊँगा, इस वजह से फ़िलहाल मैं इस बिल्डिंग यानी ईथरा के अंदर नहीं जा रहा हूँ। आगे चलते हैं। दमाम और खुबर सऊदी अरब की ईस्टर्न बॉर्डर सिटीज़ हैं और इस बॉर्डर के साथ साथ समंदर की एक पट्टी चलती चली जा रही है। इस पूरी पट्टी के ऊपर जगह जगह पार्क्स बनाए गए हैं और इस पार्क्स के साथ साथ कहीं पे बच्चों के खेलने के लिए झूले लगे हुए हैं और कहीं पर आउटडोर जिम्स भी नज़र आते हैं। तो आपको यहाँ का आउटडोर पार्क और जिम दिखाता हूँ। ईस्टर्न रीजन में सऊदी अरब का बॉर्डर दो मुल्कों से मिलता है, जिनमें से एक कतर है, जबकि खुबर में सऊदी अरब का बॉर्डर बहरीन से जाकर मिल जाता है। बहरीन और सऊदी अरब के दरमियान एक छोटी सी समंदर की पट्टी थी जिसके ऊपर अब एक ब्रिज बना दिया गया है और इस ब्रिज को किंग फहद कॉजवे कहा जाता है। इस ब्रिज को इस्तेमाल करते हुए आप 20 से 25 मिनट के अंदर सऊदी अरब का बॉर्डर क्रॉस करके बहरीन में दाखिल हो सकते हैं। मेरे पीछे जो ये लंबा सा ब्रिज आपको नज़र आ रहा है, ये वही ब्रिज है जिसको किंग फहद कॉजवे कहा जाता है और जिसको इस्तेमाल करके हम सऊदी अरब को क्रॉस करके बहरीन में दाखिल हो सकते हैं। अक्सर लोग जो यहाँ विजिट वीज़ा पर आते हैं, उनको अपना वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए सऊदी अरब को एग्ज़िट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो सिर्फ 40 से 50 रियाल देकर ये लोग इसी ब्रिज के ज़रिए सऊदी अरब को क्रॉस करते हैं, बहरीन में दाखिल होते हैं और वहाँ से वापस आके अपना वीज़ा एक्सटेंड करा लेते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खुबर के एक बहुत अच्छे वाटर फ्रंट वॉकवे के ऊपर। इसको अजदान वॉक कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे ओपन एयर रेस्टोरेंट्स भी हैं और ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, इन्होंने बहुत अच्छी सी डेकोरेशन कर रखी है जगह जगह। यहाँ पे बच्चों के खेलने की जगहें भी हैं, बड़े यहाँ पे जॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आने का बेहतर मौसम अक्टूबर से लेकर मार्च और अप्रैल तक का है। उससे पहले जून जुलाई में मई में यहाँ खासी गर्मी होती है, तो खुबर आने के लिए बेहतर मौसम अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक का है। इन दिनों में आप जैसे आप देख सकते होंगे पीछे खासी हवा चल रही है, आप इन दिनों में आराम से बाहर बैठ सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, लेकिन जून जुलाई के महीनों में यहाँ बाहर बैठना पॉसिबल नहीं होता।